फ्रेंड्स, आज चना का साग बनाएंगे। चलिए वहाँ काटते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे बनता है चना साग का सब्जी। वीडियो पसंद आएगा तो एक जरूर लाइक कर दीजिएगा। ये चना का साग को काट लेते हैं, उसके साथ साथ बैंगन भी मिलाएंगे। काट लेते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा में काट लेते हैं। देख सकते हैं, नहीं करने से इतना बहुत बड़ा बड़ा है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा काट लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरा कटिंग हो गया है, देख सकते हैं। अब बारीक कटी बारीक छोटे छोटे काट लिए हैं बारीक टुकड़ा में। अब हम बैंगन भी काट लेते हैं। सो फ्रेंड्स, कटिंग हो गया है, देख सकते हैं पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको बैंगन को धो लेते हैं। कटने का काम अब कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं सबको काट लिए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं चूल्हा की ओर। कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, देख सकते हैं। और अभी हम यहाँ काटे हैं प्याज और लहसुन और हरा मिर्चा। अब हम दे रहे हैं, गरम हो गया है। कलर चेंज हो गया है, अब डालते हैं साग को। हम नमक ले लिए हैं, स्वाद अनुसार यहाँ डालते हैं। ढक्कन खोल के धीरे धीरे बार बार चलाते रहना होगा, नहीं तो साग यहाँ लटक जाएगा। फिर से हम ढक देते हैं, थोड़ा देर के लिए चलाते रहना होगा। हम टमाटर को छोटा छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, अब यह सब्जी में डालेंगे। तैयार हो गया है सब्जी, देख सकते हैं बहुत ही कलर अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपना घर में भी जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार।